हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीपीडिया। टेकीपीडिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वीवो Z1X और रियलमी X3 का कंपैरिजन करने वाला हूं। फुल कंपैरिजन करूंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए, आपका क्या नीड है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेटर होने वाला है। तो मैं यहाँ पे कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन सभी कुछ दोनों का पार्ट बाई पार्ट बताने वाला हूं। तो आप देख के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। तो अगर रियलमी X3 की बात करते हैं, यहाँ पे आपको बैक में साइड में रियर साइड में ग्लास फ्री से मिलता है, जिसमें आपको गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। एंड दोस्तों, सामने की तरफ बात करो तो यहाँ पे डॉट नॉच देखने को मिलता है। एंड दोस्तों, सामने में भी आपको गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का सपोर्ट या प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। वही बात करें यहाँ पे वीवो Z1X की, तो यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिलता है, ट्रिपल कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड दोस्तों, ग्लॉसी लुक देखने को मिलता है सामने की तरफ। इसमें भी आपको यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, डॉट नॉच देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दोनों में ही देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे वीवो Z1X में एक प्लस पॉइंट है कि आपको डेडिकेटेड एक स्मार्ट की देखने को मिलता है, जिसे आप गूगल असिस्टेंट या अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कौन सा रन करना है उस बटन प्रेस करने के बाद। तो यहाँ पे प्लस पॉइंट है। लेकिन दोस्तों, रियलमी X3 में दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, रियर साइड में भी ग्लास फिनिश देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं स्क्रैच नहीं आएगा। तो यहाँ पे रियलमी X3 को प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की, तो रियलमी X3 में 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों, यहाँ पे आपको डॉट नॉच, डियो ड्रॉप नॉच भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे प्रोटेक्शन की, तो गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर बात करें वीवो Z1X की, तो यहाँ पे 6.38 इंच का, यानी कि लगभग आप मान सकते हैं 6.4 इंच का एक फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है। इसमें भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और इसमें भी दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर बात करें प्रोटेक्शन की, तो इसमें एक्सटेंशन 3D का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, जो कि ऐसा क्लेम किया जाता है कि गोरिल्ला ग्लास से भी ज्यादा टफ है। तो फिलहाल ये टेस्ट हो गया, तभी पता चलेगा, लेकिन ऐसा कंपनी क्लेम करती है। इसमें दोस्तों 404 PPI की पर इंच की डेंसिटी देखने को मिलती है, जबकि आपको रियलमी X3 में 403 PPI की पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाती है। वीवो Z1X में आपको 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है, जबकि आपको रियलमी X3 में 91.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाता है। तो अगर बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले यहाँ पे दोनों ही इक्वल है, यानी कि दोनों में ही बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन आपको रियलमी X3 में गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन मिलता है, तो इसमें भी प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, डिस्प्ले का जो रेशियो है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, वो रियलमी X3 में ज़्यादा है, यानी कि रियलमी X3 में आपको बेजल कम मिलेंगे, डिस्प्ले ज़्यादा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे रियलमी X3 में 712 वाला चिपसेट मिलता है, ऑक्टाकोर का चिपसेट है, पावरफुल चिपसेट है। एंड दोस्तों, यहाँ पे 4GB रैम, 64GB का स्टोरेज मिलता है, प्लस आप माइक्रो एसडी कार्ड लगा के स्टोरेज को एक्सपैंड भी कर सकते हैं। 4000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, आपको वो 3.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो ऐसा कंपनी क्लेम करते हैं कि आपको 30 मिनट में 50-52% तक का चार्ज करके दे देगा। आपको USB टाइप सी का चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर बात करें वीवो Z1X की, तो इसमें भी सेम आपको स्नैपड्रैगन का 712 चिपसेट मिलता है, ऑक्टाकोर पे बेस्ड है, पावरफुल चिपसेट है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 6GB रैम, 64GB स्टोरेज देखने को मिलता है, 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इसमें भी USB टाइप सी का चार्जिंग केबल देखने को मिलता है। इसमें भी आपको 22.5W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, यानी कि इसका भी कंपनी का क्लेम है कि आपको 30 मिनट में 50-52% चार्ज करके दे देगा आपको। अगर बात करूं अदर फीचर्स की, तो पबजी के लिए वीवो Z1X में डेडिकेटेड बहुत चीज बनाया गया, जिसमें आप नोटिफिकेशन मैनेज कर सकते हैं, कॉल मैनेज कर सकते हैं, आपको अल्ट्रा गेम मोड मिलता है। लेकिन रियलमी X3 में भी आपको गेम स्पेस मिलता है, लेकिन जितना फीचर्स आपको वीवो Z1X में देखने को मिलता है, उतना फीचर आपको रियलमी X3 में नहीं मिलेगा। हालांकि दोनों में ही पबजी आराम से खेल सकते हैं, आराम से हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों में दोनों में ही आपको स्नैपड्रैगन 712 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि काफी पावरफुल चिपसेट है मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में। दोस्तों, अगर बात करूं परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस दोनों में ही लगभग सेम सा ही है, ज्यादा का डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, अगर बात करूं कैमरे की, तो यहाँ पे वीवो Z1X में ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें आपको सोनी MX582 का सेंसर देखने को मिल जाता है, प्लस 8MP का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, जो 120° तक का अल्ट्रा वाइड पिक्चर ले सकते हैं, प्लस 2MP का आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट सेंसर मिलता है, जो कि बुके मोड ब्लर मोड में लेने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। वहीं पे बात करूं रियलमी X3 के रियर कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा देखने को मिलता है, जो 64MP का आपको इंडिया फर्स्ट ऐसा स्मार्टफोन है जो आपको 64MP का सैमसंग का सेंसर के साथ में आता है, प्लस 8MP का आपको 120° तक अल्ट्रा वाइड पिक्चर ले सकते हैं, प्लस आपको यहाँ पे 2MP का पोर्ट्रेट सेंसर देखने को मिलता है, प्लस 2MP का आपको यहाँ पे माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है, यानी कि आप माइक्रो शॉट भी आराम से इजीली ले सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे सेल्फी कैमरे की, तो आपको रियलमी X3 में 16MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है, जिसमें आपको 471 सोनी MX471 का सेंसर देखने को मिल जाता है, जबकि वीवो Z1X में 32MP का सेल्फी
सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, दोनों में ही आपको नाइट मोड दिया गया है, दोनों में स्लो मोशन मिल जाता है और दोनों में ही दोस्तों यहाँ पे EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि वीडियो जब शूट करेंगे तो काफी स्टेबल वीडियो शूट कर सकेंगे। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे प्राइस की, तो जो Vivo Z1X आपको 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में आता है उसका प्राइस आपको 16,900 में पड़ता है, जबकि बिग बिलियन डे भी चल रहा है तो 2000 एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है, 14,900 में परचेज कर सकते हैं, जबकि Realme XT का प्राइस आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में आता है उसका 15,999 यानी कि 16,000 प्राइस पड़ता है। तब दोस्तों बात करते हैं कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए फाइनल कंक्लूजन के बारे में। तो अगर दोस्तों यहाँ पे 64 मेगापिक्सल कैमरा चाहिए, माइक्रो सेंसर आपको चाहिए जो कि Vivo Z1X में नहीं है, आपको यहाँ पे आपको गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन चाहिए, रियर साइड में भी ग्लास फिनिश चाहिए, तो आप डेफिनेटली Realme XT को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको Vivo Z1X परचेज करना है तो यहाँ पे आपको सेल्फी कैमरा के लिए, सिर्फ और सिर्फ सेल्फी कैमरा के लिए आप यहाँ पे Vivo Z1X को परचेज कर सकते हैं। बाकी सारे कंपेरिजन में करेंगे तो यहाँ पे Realme XT में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ज्यादा चीज आपको प्लस में मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप Realme XT पे ही परचेज करें क्योंकि कैमरा भी बेटर मिलता है आपको, दोस्तों गोरिल्ला ग्लास का वर्जन आपको रियर साइड में भी गोरिल्ला ग्लास वर्जन 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, तो डेफिनेटली Realme XT आपको थोड़ा ज्यादा बेटर हो जाता है आपको Vivo Z1X से। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको Realme XT वर्सेस Vivo Z1X का फुल कंपैरिजन दिया है, उम्मीद है दोस्तों वीडियो जरूर पसंद आएगा, पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।